हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वाली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, साथ ही में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज इजी वाली कुकिंग को भी जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की हमारी रेसिपी है बिस्किट गुलाब जाम। बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए है मारे बिस्किट, ये मैंने ये 10 वाला जो पैकेट रहता है वो लिया है, एक पूरा पैकेट। 1 कप चीनी, 1/2 कप दूध, 1/4 कप या फिर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, इसकी जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं, इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्किट के गुलाब जाम बनाने की प्रोसीजर। सबसे पहले हम बिस्किट को इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में और फिर हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और इसकी फाइन पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बिस्किट की पाउडर बना ले ली है। अब हम इसे छान लेते हैं ताकि अगर बिस्किट के टुकड़े इसमें हो वो अलग से निकल जाए। अगर बिस्किट के टुकड़े इसमें चले गए तो हो सकता है कि फ्राई करते वक्त गुलाब जाम फट जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है, उसमें ये पाउडर डाल देती हूँ। अब इसे हम छान लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिस्किट के पाउडर को छान के ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ज्यादा हमें बेकिंग पाउडर इसमें नहीं डालना है। मिक्स कर लेंगे इन सब चीजों को अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा गुलाब जाम का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। बहुत ही मसलना नहीं है, हम इसे ऐसे ही ऊपर के ऊपर हम इसे गूंदने वाले हैं। यहाँ पर हमारा गुलाब जाम का आटा जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं मैंने इसे ज्यादा मसला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ध्यान रहे कि जो हम बॉल्स बनाएंगे उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये बॉल्स बना लेने हैं इस आटे से। अब इसी तरह से हम बाकी के आटे के भी बॉल्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आटे के इस तरह से बॉल्स बना ले लिए हैं। तो अब हम चलेंगे इन्हें फ्राई करने की प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने स्लो फ्लेम पे तेल को गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें एक एक करके गुलाब जाम छोड़ देते हैं। ध्यान है तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि गुलाब जाम जो है वो बाहर से फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से वो कच्चे ही रह जाएंगे। गुलाब जाम को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब हम इन्हें स्टर नहीं करेंगे, 1-2 सेकंड के बाद हम इन्हें स्टर करेंगे। अब हम एक फोक की मदद से इसे स्टर कर लेते हैं इस तरह से। जब तक हमारे गुलाब जाम फ्राई हो रहे हैं तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में 1 कप पानी ले लिया है, उसमें हम 1 कप चीनी डाल देते हैं। चीनी को हम मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पर शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, इसे मिक्स करेंगे
और 5-6 मिनट हम इसे और पकाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा स्टिकीनेस आ जाए। ध्यान रहे एक तार वाली कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए, पर हाँ थोड़ा सा स्टिकीनेस इसमें आना चाहिए। यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। हमें इन्हें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो ही हमें रखना है। यहाँ पर हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, तो अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे। अब हम ये फ्राई किए हुए गुलाब जामुन गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रहे चाशनी गरम होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो क्या करिए, गुलाब जामुन डालने के बाद गैस ऑन कीजिए और 5 मिनट गुलाब जामुन को चाशनी में पका लीजिए। अब हम इसे कवर करेंगे और गुलाब जामुन को 2-3 घंटे चाशनी में मर्ज होने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे रखना जरूरी है। हम जो नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं वो यूं ही 1.5 घंटे में चाशनी में अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, पर ये बिस्किट की गुलाब जामुन है तो इन्हें मर्ज होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इन्हें 2-3 घंटे चाशनी में ही रहने देंगे और उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। लगभग 2.5 घंटे तक मैंने गुलाब जामुन को चाशनी में सोक करने के लिए रखा था और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्छे से फूल चुके हैं। इन्हें कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और काफी सॉफ्ट भी बने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की डिश बिस्किट गुलाब जामुन। तो आप भी ये डिश घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।